रोक लगाकर अधिकारी एलजी मोदी जी के इशारे पर बैठे हुए हैं। आप मुझे जरा बताइए, एक चुनी हुई सरकार, 67 विधायकों के प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार, उसका सिर्फ इतना गुनाह है कि वो जनता के हक में काम करना चाहती है, जनता की तरक्की और विकास के लिए काम करना चाहती है, दिल्ली वालों के लिए काम करना चाहती है, लेकिन मोदी जी दिल्ली में अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में जिस दिन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दुर्भावना से केंद्र सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। हमारे 25-25 विधायकों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, उनको जेल में डाल दिया गया। दिल्ली के अंदर तमाम तरीके से बाधाएं पहुंचाने का काम किया गया। सीबीआई मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापा मारती है, सीबीआई उप मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापा मारती है, सीबीआई स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर पर छापा मारती है, सीबीआई स्वास्थ्य मंत्री के बेटी के ऊपर छापा मारती है और उनके ऊपर मुकदमे लिखती है, और किसी मामले में कुछ नहीं निकलता। आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने ईडी छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आप हर तरीके से दिल्ली सरकार को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप दिल्ली में अधिकारियों की हड़ताल करा रहे हैं मोदी जी, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। हाँ, एक काम आप जरूर कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को आप दुखी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जिसने 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके जिताए, उनको आप दुखी कर रहे हैं, उनको आप परेशान कर रहे हैं। आपने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया दिल्ली की जनता से, उसके साथ आपने धोखा किया। आपने दिल्ली की एक चुनी हुई सरकार को पिछले 3 सालों से काम नहीं करने दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल जी जिन 3 मांगों को लेकर एलजी हाउस में बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है और दूसरी जगहों पे भी लगातार आम आदमी पार्टी के पक्ष में दूसरे दल के भी लोग समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, हम चुप और खामोश नहीं बैठेंगे। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की हक की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी एलजी के दफ्तर में बैठ, एलजी के आवास पर बैठ के लड़ रहे हैं, और सड़क पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस लड़ाई को लड़ेंगे। इस बार फैसला होना चाहिए। बार बार आप टरकाने की जो एक प्रवृत्ति आपने अपना रखी है, और एलजी साहब की भी मजबूरी है, जो आदेश उनको उनके आका नरेंद्र मोदी जी की ओर से मिलेगा वही काम उनको करना है। तो इसलिए एक दिल्ली की एक चुनी हुई सरकार को जो चलने नहीं दिया जा रहा है, अब इसके खिलाफ हम खामोश नहीं रहेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पिछले 20 घंटे से अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर आंदोलन हम लोगों का चल रहा है। आगे जैसी भी प्रगति होती है, अगर आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म होती है, अगर दिल्ली के अंदर राशन की होम डिलीवरी का जो मामला है उसको, उस फाइल को पास किया जाता है, सीसीटीवी और मोहल्ला क्लिनिक के कामों को पास किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम अपने आंदोलन को खत्म करने के बारे में विचार कर सकते हैं। उससे पहले अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है।